तो हेलो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा यह जो इसरो इसरो के तरफ से एक जो रिक्रूटमेंट जो भी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था उसका भी ऑफिशियल साइट पे फुल नोटिफिकेशन आ गया है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर मतलब कि इसरो VSSC की तरफ से रिक्रूटमेंट है। देखो मैं करियर के सेक्शन पर आ गया हूँ और यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे तो रिक्रूटमेंट नोटिस में या फिर आपको दिख रहा है VSSC रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट। तो चलो मैं इसको ओपन करता हूँ एंड क्या है इम्पोर्टेंट वो मैं बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर इसका जो अप्लाई का लिंक यहाँ पर है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अप्लाई का लिंक। एंड चलो मैं नोटिफिकेशन में क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोगों को तो पता चल गया लेकिन इसमें क्या है वो सारा कुछ एज रिलैक्सेशन वगैरह भी बता दूंगा। इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो सब्सक्राइब। तो देखिए यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया और देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है ये पोस्ट कौन कौन सा पोस्ट था। डिप्लोमा वालों के लिए टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट था। इसमें देखिए सैलरी पे इतना होने वाला है। फिर मैं बात करूँ कौन कौन सा डिसिप्लिन था जैसे कि आपको पता हो गया होगा इलेक्ट्रॉनिक में कौन कौन एलिजिबल है मैकेनिकल में कौन कौन है। तो इलेक्ट्रॉनिक की बात करो तो डिप्लोमा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन फिर इंस्ट्रूमेंटेशन वाले लोग भी एलिजिबल है इसमें। एंड मैकेनिकल में तो मैकेनिकल डिप्लोमा फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एलिजिबल है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैकेनिकल का 20 पोस्ट है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़्यादा है मतलब यहाँ पे 24 है। फिर कंप्यूटर साइंस का 6 पोस्ट है एंड इसमें भी डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। एंड केमिकल वालों का 5 है सिविल वालों का 3 है। रेफ्रिजरेशन एंड एसी का भी 1 है एंड ऑटोमोबाइल का भी 1 है। फिर साइंटिफिक असिस्टेंट का इसका पोस्ट की बात करूँ तो केमिस्ट्री का पोस्ट पे था। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 2 था नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। फिर इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा है ये जो देखिए फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन केमिस्ट्री होना चाहिए। एंड जो और एक पोस्ट था लाइब्रेरी असिस्टेंट ए का इसमें लाइब्रेरी असिस्टेंट ए का पोस्ट है टोटल 1 पोस्ट है। इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड उसके साथ साथ आपको मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए तो ही जाकर आप लोग एलिजिबल हो। हाउ टू अप्लाई अप्लाई का लिंक तो आपको दे ही दूंगा। 2 तारीख से इसका स्टार्ट हो गया फॉर्म फिलअप 2 से 16 मई तक चलेगा इसलिए टाइम बहुत कम है। आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो कर देना। एंड जो बात करूँ यहाँ पर एज रिलैक्सेशन सॉरी एज लिमिट के तो एज देखो टोटल जो हर एक पोस्ट का सेम है 35 ईयर। जनरल कैंडिडेट्स को 35 होना चाहिए एंड OBC का 38 है। फिर ST SC का देख सकते हैं यहाँ पर 40 से 40। फिर यहाँ पर देखिए ये जब टेक्निकल असिस्टेंट्स वालों का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया है फिर बाकी जो साइंटिफिक असिस्टेंट्स वगैरह का रिलैक्सेशन नहीं दिया हुआ सबका 35 है। तो आप लोग देख लेना ये इसका मैं डिस्क्रिप्शन में जो भी टेलीग्राम का लिंक है वहाँ दे दूँगा वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। एंड मिनिमम 18 एज होना चाहिए तो हर एक में होता है। आज सिलेक्शन प्रोसीड्योर की बात करूँ तो रिटर्न टेस्ट होगा फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। तो रिटर्न टेस्ट आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा एंड इसमें सिलेबस वगैरह की बात करूँ तो जो आपका ट्रेड के हिसाब से ही रहेगा 80 क्वेश्चन एंड 90 मिनट में 80 क्वेश्चन करना है ठीक है। फिर यहाँ पर 0.33 नेगेटिव मार्किंग एंड 1 मार्क्स करेक्ट आंसर पे 1 मार्क्स। फिर जो
पासिंग क्राइटेरिया भी दिया हुआ है कि इतना मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। तो जनरल वालों के लिए 80 में कम से कम 32 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा। फिर रिजर्व कैटेगरी वालों को 24 मार्क्स मिनिमम लाना पड़ेगा। एंड जो बात करता हूँ यहाँ पर स्किल टेस्ट में भी 100 मार्क्स में आपको 50 मार्क्स मिनिमम लाना है। एंड रिजर्व कैटेगरी को 40 मार्क्स लाना है 100 में। यही कुछ था तो यहाँ पर देख लेना। एंड पेमेंट मोड दिया हुआ है 700 आपका लगेगा जनरल कैंडिडेट्स का, फिर ST SC वालों को 500। जो 500 जो फी है वो रिफंड हो जाएगा एग्ज़ाम के बाद। जो जनरल कैंडिडेट्स को भी 500 रिफंड होगा, बट उनका 750 लग रहा है, 750 में 500 रिफंड होगा। आई होप कि छोटी सी वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।